नमस्कार दोस्तों, औजारनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मेरे दोस्त के घर आया हूँ और उसका ये देखो ये वॉश बेसिन ख़राब है, तो ये कैसा बदली करने का उसको मालूम नहीं था, तो उसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि ये कैसा करते हैं। तो एकदम सिंपल है दोस्तों, इसके लिए आपको कोई प्लम्बर लाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा टिश्यू पेपर से साफ़ कर लीजिए पहले शुरुआत में, और ऐसा साफ़ करिए। इसके बाद देखो दोस्तों, ये ऐसा खोलिए, यहाँ से ये पहले पाइप निकालिए नीचे का, ये बर्तन मांजने वाला सिंक है और ये मैंने निकाला है अभी, मैं यहाँ से निकालूंगा इसको। ये निकाल दिया मैंने, नीचे का पाइप भी निकाल दिया है। उसके बाद दोस्तों अभी मैं इसको खोलूंगा, इसको ऊपर से मैं हाथ डालूंगा, यहाँ से आप नीचे से घुमा रहा हूँ, इसको स्क्रू है ये मैंने पकड़ा है, ये देखिए नट, और मैं नीचे से घुमा के इसको ये मैंने निकाल दिया। देखो ये निकल गया है। अब देखो दोस्तों, अब ये नया मैं ये लेके आया हूँ, इसको बोलते हैं सिंक वेस्ट कपलिंग, मतलब सिंक का वेस्टेज निकालने के लिए जो कपलिंग लगाई जाती उसको बोलते हैं। और दोस्तों आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हमारे नए नए वीडियोस आते रहते हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा वीडियो पाने के लिए घंटी के वाला बेल वाला बटन आइकन बटन हमेशा ये पोस्ट कीजिए। देखो दोस्तों अभी ये स्क्रू है थोड़ा, वो मैं थोड़ा पकड़ से ढीला कर दिया है, अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ। देखिए ये ऐसा निकलने के बाद ये ऐसा पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये भाग नीचे से लगाना है, ये देखिए मैं यहाँ से पकड़ूंगा इसको, और ये भाग मैं ऊपर से लगाने वाला हूँ यहाँ से, और ये स्क्रू मैं वापस लगाने वाला हूँ। ये ऐसा मैंने टाइट कर दिया है। अब देखिए ये तो हो गया ऊपर का, अब इसके ऊपर एक पार्ट है, ये रबर निकाल दीजिए। क्योंकि ये रबर का अभी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, इसको ऐसा बॉल दिया गया है, देखो बॉल है ये कैसा है, ये दबाने के बाद है ना ये बॉल, इसमें ये दबता है थोड़ा ऐसा, ये इसके अंदर मैं ऐसा लगा दिया है और ये टाइट कर दिया। अच्छा कोई जा कचरा वगैरह अंदर नहीं जावे, इसके लिए ऐसे एक जाली मिलती है, ये जाली ऐसी इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। उसके लिए फिर ये लगेगा नहीं आपका, ये पीस ये निकाल देना पड़ेगा, फिर ये ऐसा ये जाली रख के आप ऐसा ये लगा सकते हैं। तो ये ऊपर का सिस्टम हो गया, अभी मैं आपको नीचे का सिस्टम दिखा रहा हूँ। ये देखिए पाइप लाया नया, और ये पाइप एडजस्ट कैसे भी एडजस्ट हो सकता है, ऐसा खींचने के बाद लंबा होता है, कैसे भी एडजस्ट हो सकता है। तो देखिए ये मैं पाइप यहाँ से ऐसा लगाऊंगा पहले, आप घर के घर में भी इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, और फिर मैं ये आउटलेट में ऐसा लगा दूंगा इसको। अभी देखो दोस्तों, ये पानी भी डालो तो भी कुछ नहीं, अभी ये लीकेज नहीं होएगा। ये देखो ऊपर से पानी चालू है लेकिन लीकेज नहीं हो रहा है, ये अभी सही हो गया है। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार आप घर के घर में वॉश बेसिन का ये पीस बदली कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्लम्बर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं।